काउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अपने पर्सनल नोट्स नहीं बना रहे क्या? जहां पे कंसेप्ट अच्छा लगा दिल बना दिया, हार्ड शेप है अपनी मर्जी से। Hey boy. जहां पे कंसेप्ट जो है वो लगा मुश्किल है वहां पे भी हर्ट बनाया उसमें आरो। ये हमारे बस की बात। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। कहता है इस तरह के सिंबल यहाँ पे स्टैंडर्ड डाई सिंबल यूज करने हैं, स्टैंडर्ड डाई सिंबल यूज करने। मुझे याद आ गया जब मैं स्टूडेंट था सीफेब लेवल का, ये तो एक लॉ का पेपर था, तो मेरे दोस्त ने एक किताब ली, वो क्वेश्चंस थे उसमें काफी ज्यादा, और लॉ की किताब थी पता नहीं काउंटिंग की थी, दोनों में से कोई एक थे, उसने हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई गाली लिखी उसे। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जो क्वेश्चन जितना ज्यादा मुश्किल होता था ना उतनी बड़ी। बड़े हरामी हो बेटा। मुझे रिवीजन करते हुए बड़ी आसानी हुई। जितने भी मुश्किल सवाल थे मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर लिए। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल पे चले। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, असेस कर लिए भाई, इसके साथ एक कहावत लिख ले हमारे ऑडिट की कहावत। चलो भाई, शायद आपने सुनी हो कभी, वेयर देयर इज ए रिस्क देयर शुड बी ए कंट्रोल। वेयर देयर इज ए रिस्क देयर शुड बी ए कंट्रोल। ये पता है कहावत किसने याद की है? आप किस भाई ने लिखे? वेयर देयर इज ए रिस्क देयर शुड बी ए कंट्रोल। हाँ मैं कॉलेज अरे भी लिखता हूँ, हाँ मैं पार्ट टाइम में हिकमत भी करता हूँ। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया अच्छा। यहूदियों का सवाल अच्छा है। इंग्लैंड में यहूदी रहते हैं? नहीं, इंग्लैंड में सारे नॉन मुस्लिम रहते हैं भाई, खुदा का खौफ कर यार। और मेरा दोस्त भी रहता है यार उधर, ऐसे ना कर, मैं तो उसे आज तक मुसलमान समझता रहा हूँ। ए भाई मोबाइल है ना आपके पास? मोबाइल नहीं है? नहीं। ये पेंट किस मुसलमान ने याद किया? ये भी पहन के आए हो ना क्लास में? वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चल ये कौन से वाल? अच्छा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन सेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आज